हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेविटेशन चैप्टर का फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क एट एनी पॉइंट्स ऑन इट्स एक्सिस, उसका डेरिवेशन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हेडिंग लिख लेता हूँ। क्या निकालना है मुझे, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, किसी पॉइंट पे, एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकालना है। तो सपोज मेरे पास ये एक डिस्क है, ठीक है। डिस्क को मैं कैसे कंसीडर कर सकता हूँ, ये सपोज ये डिस्क है मेरे पास, ये डिस्क है, ये देख लो आप, ये डिस्क है। तो मुझे ये सेंटर से एक लाइन पास होके जा रही है। तो देखो कैसे, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ लाइन पॉइंट पॉइंट पी है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, डिस्क के द्वारा फील्ड, इसमें मास क्या हो, तो टोटल अंदर फील्ड होता है जिसका, डिस्क का हमने टोटल मास क्या मान लिया, एम। एम क्या है, एम इज़ द मास ऑफ द डिस्क और ए इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क। एम इज़ द मास ऑफ द डिस्क एंड ए इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द डिस्क। मुझे अब फील्ड निकालना है, तो इस डायग्राम को मैं दोबारा से प्लॉट करता हूँ। ये सपोज ये वाला डिस्क है, सेंटर हो गया ओ और ये पॉइंट हो गया पी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सेंटर से पी की, वो है आर, ठीक है। अब देखो इसकी जो रेडियस है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक रिंग को कंसीडर करूँगा, दो सर्कल प्लॉट करता हूँ उसके लिए। एक सेंटर एक्स, ये वाला इसका जो सर्कल मैंने ड्रॉ करा है, इसका सेंटर रेडियस कितना है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ना, जिसका रेडियस कितना है एक्स, और एक दूसरा सर्किल ड्रॉ करा मैंने एक्स प्लस डी एक्स की। एक जो अंदर वाला सर्किल है ना, इसकी रेडियस एक्स है, दूसरे वाले की रेडियस है एक्स प्लस डी एक्स। इसकी जो रेडियस है कितनी है, एक्स प्लस डी एक्स। तो इसकी जो विड्थ हो जाएगी, थिकनेस जो हो जाएगी, रिंग की थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी एक्स। आगे समझ में, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला लो। रिंग का हमने डेरिवेशन करा था, ठीक है, इसको मैंने कह दिया जेड। अभी रेडियस कितनी है इसमें, एक्स, अंदर वाले की रेडियस कितनी है एक्स। अब हमने देखा था कि जो रिंग होती है, ये रिंग जो अंदर वाला है, इसका मास निकालना है मुझे। तो मास ऑफ द रिंग कितना होगा, मास ऑफ रिंग कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया निकालो पहले इसका, क्योंकि इसमें मास अंदर, जो मास अंदर पूरे फील्ड होता है। तो m अपॉन में पाई ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, एम अपॉन में पाई ए स्क्वायर इन टू। अगर मुझे इसका रिंग का जो मास निकालना है, ये रिंग जो है इसका मास निकालना होगा, तो मुझे इसका एरिया चाहिए होगा, ये अंदर वाले का, इसका एरिया देखो कितना होगा। अगर मैं इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लूँ, सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πx है ना, और डी एक्स की क्या होगी, इसकी विड्थ अभी हमने देखा, तो कितना हो जाएगा, लिखूँ कितना लिखूँ मैं, यहाँ 2πx dx, 2πx और ये dx, तो ये किसका आ जाएगा, इसका एरिया, और तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ द रिंग इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल कर दिया, तो कितना आ जाएगा, एम अपॉन में ए स्क्वायर, एम अपॉन में ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, टू, यहाँ रखा 2mx dx अपॉन में ए स्क्वायर, ये मास ऑफ द रिंग हो गया। अब मुझे निकालना है फील्ड ड्यू टू रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, फील्ड ड्यू टू रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये पहले वाले डेरिवेशन में हमने रिंग वाले डेरिवेशन में देखा था, तो उसका फॉर्मूला क्या निकाला था, डी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ द रिंग इंटू आर, सेंटर से डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आर, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस रेडियस, जहाँ से निकाला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो रिंग कंसीडर करा मैंने उसकी रेडियस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू, अब क्या करो, जी इंटू डी एम, मास इसका रख दो, मास ऑफ द रिंग कितना है ये, 2mx dx अपॉन में, देखो 2mx dx अपॉन में ए स्क्वायर इंटू कितना है आर, ये वाला जी डी एम ये आ गया, 2mx dx ए स्क्वायर इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और आगे क्या लिख सकते हैं इसको, देखो
ये कितना हो जाएगा डी ई इक्वल्स टू टू जी एम एक्स टू जी एम आर एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो कितना हो गया टू जी एम एक्स डी एक्स आर ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आ गया हमारा। अच्छा अब क्या करो, टोटल फील्ड निकालना है। टोटल फील्ड ड्यू टू डिस्क। अब देखो जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी एक्स की। एक्स की वैल्यू देखो अगर जीरो हो जाए, एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये जो सर्कल है ये सेंटर पे आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू अगर ए हो जाए तो ये किसको सर्कमफ्रेंस पे यहाँ आ जाएगा, इसके डिस्क के सर्कमफ्रेंस पे। तो इसकी जो लिमिट है एक्स की लिमिट जीरो से लेकर ए पे है, तो पूरा एंटायर जो है ये डिस्क है इसको कवर कर लेगा। तो टोटल फील्ड आ जाएगा किसकी वजह से, अगर मैं रिंग निकालूं और इसको इंटीग्रेट कर दूं एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर ए, तो किसका आ जाएगा डिस्क का। तो टोटल फील्ड ड्यू टू डिस्क क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, इक्वल्स टू क्या है ये टू जी एम आर एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और लिमिट हो गई एक्स की जीरो से लेके ए तक। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, डी का इंटीग्रेशन तो हो गया ई इक्वल्स टू देखो टू जी एम आर जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल लो, टू जी एम आर क्या है कॉन्स्टेंट, अपॉन में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, टू जी एम आर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया, अंदर क्या बचा एक्स डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिमिट जीरो से ए तक। अब देखो ये क्या है, टेंजेंट होता है, यहाँ से यहाँ पर टेंजेंट है। तो मैंने देखा था कि क्या क्या होता है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा जेड स्क्वायर के। तो यहाँ लिखूँ मैं क्या, अगर मैं लिखूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू जेड का स्क्वायर एस, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स के, तो वो क्या होगा ये कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा टू एक्स डी एक्स और यह हो जाएगा टू जेड डी जेड, टू से टू कैंसिल तो कितना आ गया एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया जेड डी जेड के बराबर। ठीक है अब इसको एक्स डी एक्स यहाँ उठा के रख लो, देखो कितना हो जाएगा E इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड E बराबर कितना हो जाएगा, क्या रखो टू जी एम आर अपॉन में ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या रख लिया एक्स डी एक्स की जगह जेड डी जेड अपॉन में क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर जेड है, अगर मैं क्या करूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पूरे के पावर 3/2 कर दूँ तो यहाँ जेड स्क्वायर की पावर 3/2 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा टू से टू कैंसिल जेड की पावर 3, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 किसके बराबर होगा जेड की पावर 3 के बराबर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ जेड की पावर 3, तो यहाँ लिख लिया मैंने जेड की पावर 3, और लिमिट मत लगाओ क्योंकि अभी हमने चेंज करा हुआ इसको, ठीक है तो जीरो से एक अभी रहने देते हैं, जेड से जेड एक कैंसिल, तो क्या आ जाएगा देखो ये क्या आ जाएगा टू जी एम आर अपॉन में ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन में जेड का स्क्वायर, एक जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। हम जानते हैं देखो एक्स की पावर एन डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस वन नहीं होनी चाहिए खाली, और कुछ भी हो जाए ठीक है। अगर मैं इसका डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालूं, देखो डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर को खाली एक बार देखते हैं तो क्या आ जाएगा जेड की पावर माइनस टू डी जेड, फॉर्मूले के हिसाब से देखो कितना, देखो देखो जेड की पावर एन की वैल्यू कितनी होगी माइनस टू, तो कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन, ये कितना हो जाएगा जेड की पावर माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन में माइनस वन, इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन में जेड। तो डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया माइनस वन अपॉन में जेड, इसको मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ ये तो समझाने के लिए था। ये कितना हो गया टू जी एम आर अपॉन में ए स्क्वायर इन टू डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया माइनस वन अपॉन में जेड, ठीक है इक्वल्स टू माइनस को बाहर निकाल लो माइनस टू जी
एम आर अपॉन में ए स्क्वायर इन टू जेड की वैल्यू रख लो। देखो जेड की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किसके है, जेड स्क्वायर के बराबर। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहाँ रख लो माइनस को मैंने बाहर निकाल ही लिया है, वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। और अब रख दो लिमिट, क्योंकि एक्स की लिमिट थी ये वाली, ये लिमिट जो थी जीरो से ये तक थी, एक्स वेरिएबल था, जड़ वेरिएबल नहीं था, मतलब जड़ की जड़ को हमने किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो अब एक्स की लिमिट रख देता हूँ मैं, कहाँ से जीरो से लेके ए तक, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो, माइनस टू जी एम आर अपॉन में ए स्क्वायर इन टू, लिमिट रखते हैं अब, लिमिट रखा जाए देखो, पहले अपर लिमिट वन अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स के लिए जगह एक्स वेरिएबल है तो एक्स की क्या लग दूँ ए का स्क्वायर, माइनस वन अपॉन देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह जीरो रखूँगा अगर मैं, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, आर का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, आर बचेगा खाली, आर बचा यहाँ, ठीक है। अब इसी में काम करो और इस आर को अंदर ले जाओ, अगर मैं आर को अंदर ले जाऊँ, चलो यहाँ कर लेते हैं इसको, देखो e बराबर क्या है, माइनस टू जी एम अपॉन में ए स्क्वायर इन टू, ठीक है। इस माइनस को और r को अंदर ले जाओ, ये माइनस को ले जाओगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इस माइनस को हटा दो, माइनस वन अपॉन में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया, ठीक है। इस माइनस को ले गए तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या बचेगा वन अपॉन में r, और यहाँ पे तो r है ही, ये वाला टू जी एम आर। अब इस r को भी ले जाओ, r को मैं ले जाऊँगा तो यहाँ r लिख दिया, r r समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब r से r कैंसिल तो क्या बचा देखो, टू जी एम अपॉन में ए स्क्वायर इन टू, आर से r कैंसिल तो क्या बचा वन माइनस r अपॉन में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब एक चीज़ यहाँ देखो, अगर मैं इस वाले ओरिजिनल वाले डिस्क से यहाँ पे इसको पॉइंट को मिला लेता हूँ, और इसको एंगल कह देता हूँ मैं थीटा, सर्कमफ्रेंस यहाँ से टेंजेंट जहाँ पे है ये एंगल को क्या कहते हैं मैंने थीटा, ये कितना होगा 90। तो ये देखो कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये आर है ये जेड है, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आर अपॉन में जेड, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इजिकल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन में जेड, जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर, जड़ा है ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोस थीटा किसके बराबर होगी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, रेडियस है ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाले पूरे टर्म की जगह कोस थीटा, तो कितना हो गया टू जी एम अपॉन में ए स्क्वायर वन माइनस, इसकी जगह मैं क्या रख दूँ कोस थीटा, यहाँ से देखो कोस थीटा बराबर क्या है आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा जेड स्क्वायर के बराबर इस वाले डिस्क में, यहाँ क्या लिख दो जेड स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, ये तो वेरिएबल वाले के लिए था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ई, ये मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, हमारा जो टॉपिक था फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, इसका फॉर्मूला क्या हो गया टू जी एम अपॉन में ए स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तब तक आप अपने और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखिए, थैंक यू एंड बाय बाय।